निवासो सदा वृंदावन को, मैं तूठ यमुना पुलिन नहाऊं, ऐसी कृपा करो श्री राधे, वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं, वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का तुलसी पर। आज हम अपने खास कार्यक्रम में आपको सहयात्री बनाना चाहते हैं। जिसका रिश्ता ब्रज के इतिहास, संस्कृति, समाज, कला, धर्म आदि से जुड़ा हुआ है। यूं तो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों में एक से बढ़कर एक भव्य और मनमोहक स्थल हैं, जहां पहुंचकर आप अलौकिक लीलाओं का दिग्दर्शन कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन आज से हम आपको सिर्फ ब्रज का दर्शन ही नहीं कराएंगे, बल्कि उसके साथ साथ आपको परम पूज्य शंकराचार्य श्री शारदानंद जी महाराज के श्रीमुख से निसृत अमृत वाणी का रसा स्वादन भी कराएंगे। संपूर्ण ब्रज दर्शन में आपके सानिध्य में रहने का भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होगा और आप सभी को अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आइए आज के ब्रज दर्शन में सबसे पहले चलते हैं उस पावन स्थल के पास, जहां से ब्रज की महिमा का सरोकार है। हम बात कर रहे हैं यमुना नदी की। यमुनोत्री से निकलने वाली इस नदी को संपूर्ण जगत मां के रूप में पूजता है। है विश्व का कोई ऐसा देश जो किसी देश को, किसी देश में इन बहती हुई नदियों को माँ कहने की सामर्थ्य और संस्कृति हो? शायद ऐसा सुनने को नहीं मिलता, लेकिन गर्व है मुझे अपने देश के ऊपर कि यह बहती हुई नदियाँ ये कोई पानी नहीं है, ये जल नहीं है, बल्कि ये बहती हुई जो पवित्र नदियाँ हैं ये मेरी माँ हैं। और इसीलिए हम सारे भारत के लोग गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय बोलते हैं। अगर ऐसा ना होता तो राम और कृष्ण का प्राकट्य शायद नहीं होता। ये देश तो मातामय देश है, ममतामय देश है। हम कभी कहा करते हैं, है कोई विश्व का ऐसा देश जो अपने देश को माँ के रूप में जानता हो? शायद ऐसा आज तक दिखाई नहीं पड़ा, सुनाई नहीं पड़ा। शायद राम और कृष्ण का प्राकट्य मेरे देश में इसीलिए होता है कि मेरा देश देश नहीं है, मेरा देश तो मेरी माँ है। बोलिए भारत माता की, भारत मेरी माँ है। तुमने भारत माँ का त्याग भले कर दिया हो, विश्व में बैठे हुए जहाँ भी लोग हैं भारत देश के, आपने भले देश का त्याग कर दिया हो, भारत माँ का त्याग कर दिया हो, लेकिन भारत माँ कदापि तुम्हारा त्याग नहीं करती। अरे जन्म देने वाली माँ तो एक दिन छोड़ करके चली जाएगी, लेकिन यह जो हमारी माताएं हैं ये जीवन के अंतिम क्षण तक मुझे छोड़ती नहीं। सर्व विदित है यमुना मैया को ब्रज संस्कृति की जन्मदात्री और विकास की केंद्र बिंदु माना जाता है। वृंदावन के केसी घाट को स्पर्श करती यमुना जी का इतिहास बहुत पुराना है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यमुना जी को सूर्य की पुत्री कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपनी अधिकतर लीलाएं यमुना मैया के तट पर ही किया करते थे। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्नान करते थे, इसीलिए इस पावन स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस ब्रज दर्शन के लिए जब परम पूज्य शंकराचार्य श्री शारदानंद जी महाराज, उनके साथ परम पूज्य बाबा कर्मयोगी जी महाराज
और पूज्य योगेश प्रभाकर जी महाराज पहुंचे तो सर्वप्रथम यमुना मैया को प्रणाम करके उनका शीतल जल अपने मुख से लगाया। नौका विहार आरंभ करने से पहले सभी संतों ने यमुना मैया को जल अर्पण कर इस ब्रज दर्शन को धन्य कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी और जल से संबंधित जितनी भी लीलाएं की हैं, उसमें से एक लीला ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी को पवित्र करने और वृंदावन वासियों को भय मुक्त करने के लिए कालिया नाग को नाथा था, ये लीला आज भी आपको अनगिनत फिल्मों और धारावाहिकों में देखने को मिल जाती है। लेकिन जो आनंद केसी घाट पर आकर इस लीला के दर्शन करने का है, वो आनंद किसी भी चित्र द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। भगवान श्री राम के कारण जिस प्रकार सरयू जी की महिमा बढ़ जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कारण यमुना जी की महिमा दिग्गंत में फैल जाती है। यमुना जी के तट पर बने दिव्य घाटों का दृश्य भी अत्यंत मनमोहक है। हर एक घाट से कान्हा की अलग अलग लीलाओं कथाओं का वर्णन सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। नौका विहार के समय परम वंदनीय शंकराचार्य श्री शारदानंद जी महाराज, परम पूज्य बाबा कर्मयोगी जी महाराज और योगेश प्रभाकर जी महाराज ने जब यमुना माँ से जुड़ी कथाओं का वर्णन किया तो इस ब्रज दर्शन में चार चांद लग गए। गोपी गीत के संबंध में एक दो श्लोकों की व्याख्या करें ताकि लोगों को गोपी गीत के संबंध में, बड़े बड़े देश के विद्वान संत मनीषी उस पर व्याख्या करते हैं और यत्किंचित आप भी उस पर थोड़ा सा बोलें ताकि हम सभी लोगों को भी अच्छा लगे कि वास्तव में गोपी गीत। यूँ तो श्रीमद्भागवत में अनेक गीतों का वर्णन किया है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, जुगल गीत है आदि, तो गोपी गीत के संबंध में थोड़ा वर्णन करो। पूज्य गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से जो प्राप्त हुई, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणारविंद में समर्पित है। पहले मैं निवेदन कर दूँ, हम सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन धर्म के दो प्रधान स्तंभ हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत अष्टादश पुराण आते हैं और उन्हीं में श्रीमद्भागवत जी की चर्चा है। श्रीमद्भागवत जो कि हृदय को शांति और समाज को क्रांति प्रदान करने वाला ग्रंथ है, आध्यात्मिक रस वितरण का सार्वजनिक प्याव है श्रीमद्भागवत। इसके अंतर्गत द्वादश स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक आते हैं जिनकी विशद चर्चा श्रीमद् वेदव्यास भगवान ने श्रीमद्भागवत में की है। भगवान के जो विराट स्वरूप की चर्चा है, उस पर ब्रह्म परमात्मा के विराट स्वरूप की जो चर्चा है, वो श्रीमद्भागवत में बहुत दिव्यता से रखी है श्री वेदव्यास जी महाराज ने। श्रीमद्भागवत का प्राण माना जाता है रासपंचाध्यायी, और रासपंचाध्यायी के अंतर्गत जो गोपी गीत है श्रीमद्भागवत जी के दसम स्कंद के उत्तरार्ध के 31वें अध्याय में, उसकी इतनी दिव्यतम चर्चा है, बड़े बड़े महापुरुष भावुक हो गए। कथा करते करते, कथा श्रवण करवाते हुए श्री शुकदेव भगवान परीक्षित जी को भावुक हो गए। विषय ही कुछ ऐसा है, गोपियाँ श्री ठाकुर जी के संबंध में कहती हैं, नाथ आपकी कथा क्या करती है, जिसकी चर्चा अभी तक हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। श्रीमद्भागवत जी के दसम स्कंद के उत्तरार्ध के 31वें अध्याय के 9वें श्लोक में चर्चा के आपकी कथा करती क्या है, बोले तब कथा अमृतम ताप्त जीवनम कवि भिड़ितम कल्मसापहम
श्रावण मंगलम श्रेमदाततम भुवे गृणन्ते ते भूरिदा जना भुवे गृणन्ते ते भूरिदा जना। सात बातें कही हैं इसमें तव कथामृतम। आपकी कथा अमृत के समान है, अथवा जो आपकी कथा को श्रवण करता है वह अमरत्व को प्राप्त करता है। हो सकता है इस कराल कलिकाल में कथा अमृत का आस्वादन करने के बाद भी जीव अमरत्व को प्राप्त न करे, क्योंकि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम, युग का धर्म युग का प्रभाव हावी हो सकता है, इस कारण से अमरत्व की प्राप्ति न हो। किंतु अगर श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ आपकी कथा का आश्रय लिया जाए तो अमरत्व की प्राप्ति हो न हो अभयत्व की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तब कथामृतम, आपकी कथा अमरत्व को प्रदान करती है, तब कथामृतम। दूसरी बात, तप्त जीवनम, जो तप्त जीवी प्राणी हैं उनके जीवन के समस्त कलमशों को आपकी कथा नष्ट करती है। तप्त जीवनम कवि भ्रीडितम। तीसरी बात, कवियों के लिए आपकी कथा प्राण के समान है। कौन नहीं जानता हमारे यहाँ के श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को, राष्ट्रकवि। उनकी वह कालजयी कृति उर्वशी श्यामधेनी कुरुक्षेत्र और उनकी वह पद्य रचना जवनास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरिणय भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बधा अब साध मुझे, आदि आदि आदि। ये कालजयी कृति जो उन्होंने लिखा कहाँ से प्राप्त हुआ, बोले आपकी कथा से ही प्राप्त हुई वो सारी चीज़ें। कवि भ्रीडितम, कवियों के लिए आपकी कथा प्राण के समान है। कवि भ्रीडितम और कल्मषापहम, जगत दुखालय है, दुखालयम शाश्वतम, यह बात सत्य है। औषधालय में जाकर के औषधि के प्राप्ति की कामना की जा सकती है, विद्यालय में जाकर के विद्या के प्राप्ति की कामना की जा सकती है, देवालय में जाकर के देवताओं के प्राप्ति की कामना की जा सकती है, लेकिन दुखालय में जाकर के सुख की कामना करना यह हास्यास्पद विषय है, चूंकि दुखालयम शाश्वतम। किंतु आपकी कथामृत का या आपके चरणारबंद से प्रीत करने वाले किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का जीव आश्रय ले ले तो उसके जीवन के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। कल्मषापहम, जो तीन दुख है, दैहिक दैविक भौतिक, इन त्रय तापों से छुटकारा मिल जाता है जीव को, जो आपकी कथामृत का या आपके चरणारविंद से प्रीति करने वाले किसी जीव से स्नेह लग जाए तो उस जीव के जो त्रय ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री हित हरिवंशचंद्र गोस्वामी पाद ने बहुत अच्छी बात श्री राधा सुधा निधि में कही। अंतिम श्लोक 365 में कहा है, बोले महाराज अंतिम इच्छा उनकी, बोले श्री ठाकुर जी मान लीजिए प्रकट हो गए उनके सामने, बोले क्या चाहते हो आप कुछ तो बताइए। वैकुंठ की कामना है, ऐश्वर्य की कामना है, कुछ तो भोग मोक्ष की कामना होगी। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, इसके इनमें से किसी वस्तु की कामना नहीं हमें। बोले फिर, बोले यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नारकेथ परमे पदेथवा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नारकेथ परमे पदेथवा, श्रीराधिकार तिन कुंज मंडली तत्र तत्र हृदि में विराजताम। हे प्यारे जो
मेरा बस एक ही विनम्र निवेदन है, जब जब जहां जहां जिस जिस योनि में भी मेरा जन्म हो, बस इतना सा निवेदन है, आपके चरणारविंद से प्रीत करने वाले किसी परिवार में मेरा जन्म हो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नारकेथ परमे पदेथवा। तो कल्मशापहम आपकी कथामृत का जो आस्वादन करते हैं उनके समस्त कल्मशों की निवृत्ति हो जाती है। अंतिम से पूर्व एक बात बहुत अच्छी कही, क्या बोले? श्रवण मंगलम। आज प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में परेशान है। अभी पूर्व में मैंने निवेदन किया, जगत दुखालय है, जगत में सिर्फ दुख है, लेकिन फिर भी यदि भगवत चरणारविंद से प्रीति हो गई तो यह जगत दुखालय नहीं, यह जगत सुखालय है। यहां आनंद ही आनंद है। कब? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। ठीक उसी प्रकार से नीति कहती है, मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। एक ताला है, उस ताले को खोलने की एक ही चाबी है। ये नहीं कि बंद करने की चाबी अलग है, खोलने की अलग। अगर उस ताले को राइट में घुमाइए तो ताला खुल जाएगा और लेफ्ट में घुमाइए तो वो बंद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यह मन यदि परमात्मा के चरणारविंद में लग गया तो यह जगत सुखालय है, और श्री ठाकुर के चरणारविंद से पृथक हो गया तो यह जगत दुखालय है। दुखालयम शाश्वतम। तो और जो इस जगत में रहता है परमात्मा से पृथक होकर के, उसका जीवन जो है अमंगलमय हो जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति की यही धारणा है कि हमारा जीवन मंगलमय हो, सबकी यही कामना है। हम दिन रात श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, इतने देवालयों में जाते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, क्यों? एक ही लक्ष्य है, हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारे जीवन में चिर शांति की प्राप्ति हो। लेकिन वो मंगलता कैसे आए, हमारा जीवन मंगलमय कैसे बने, बोले उसका भी कहते ना, मतलब सारे कष्टों की निवृत्ति जगत में जितने भी हमारी इच्छाएं हैं, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, आपकी जो भी कामनाएं हैं वो सारी यहाँ पूर्ण होंगी। श्रवण मंगलम, जो आपके कथामृत का आस्वादन करते हैं उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। श्रवण मंगलम। और अंतिम वस्तु बोले जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता है आज के इस जगत में, वह है श्री महाराज जी ऐश्वर्य चकाचक टकाटक लक्ष्मी। श्रीमदाततम, बोले आपकी कथामृत का जो आस्वादन करते हैं श्रीमदाततम, उनको ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। भूवि गृणंति ते भूरिदा जना। ये महाराज जी मेरा अपना भाव था। गोपी गीत के संबंध में नवम श्लोक में गोपियों ने ऐसी चर्चा की है, रुरुदुः सुस्वर। और ये स्थिति कब आती है, बोले गोपियाँ जब वहाँ बैठी हैं यमुना के पुलिन पर, जैसा आज हम आप सभी विराजमान हैं, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण की दर्शन की लालसा को लेकर के जब उन्होंने रुदन किया, आज जब तक जगत है तब तक वो गोपियाँ हैं, उनकी चर्चाएं इसी प्रकार से चलती रहेंगी। नौका विहार करते समय आसपास के घाटों का दृश्य अत्यंत रमणीय लगता है। यमुना मैया के किनारे स्नान करते बालक, जलांजलि लेते संत, और किनारों पर बने घाटों का भ्रमण करते व्यक्ति स्वयं को धन्य बनाते हैं। सांझ के समय होने वाली यमुना आरती का भव्य समारोह देखने वाला व्यक्ति स्वयं को भाग्य का धनी मानता है। सायंकाल में जब असंख्य भक्त एक साथ असंख्य दिए जलाकर माँ यमुना की महाआरती करते हैं तो यमुना मैया की जय जयकार से पूरा वृंदावन गूंज उठता है। Thank you.
जिस प्रकार भारतीय सनातन संस्कृति में पुण्य सलिला माँ यमुना का आध्यात्मिक महत्व वेदों और पुराणों में रचित है, उसी प्रकार वैदिक परंपरा की प्रहरी माँ यमुना की सुरक्षा भी एक चिंता का विषय है। जगतगुरु शंकराचार्य श्री शारदानंद जी महाराज ने आज के इस ब्रज दर्शन में यमुना माँ की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा उठाकर भारतवर्ष को ये संदेश दिया है कि यमुना हमारी माँ है और उनकी स्वच्छता हमारा परम कर्तव्य है। हे गुरुदेव, मेरी आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि यमुना माँ का उद्धार कैसे हो और कृपा किस प्रकार से हो। समस्त मानव जाति का एक ही उद्देश्य है, हम ब्रजवासियों का तो पूर्ण लक्ष्य ही है कि हमारी यमुना माँ जैसी थी ऐसी मिल जाए हमें, जिससे कि हमारा जीवन वही आनंदमय वही भक्तिमय पुनः प्रारंभ हो जाए। हमारे हृदय में वेदना है क्योंकि हम असहाय की भांत हम देखते रह जाते हैं कि यमुना माँ के किनारे आज दुर्गंधि युक्त हो गए हैं। क्या कभी ऐसा होगा, क्या माधव हमारी सहायता करेंगे? परंतु मुझे तो आज ऐसा अनुभव होता है कि माधव इस धराधाम में आज भी प्राकट में है, क्योंकि माधव का स्वरूप सर्वमय है। मैं संतों में अर्थात आप में भी वही स्वरूप देखता हूँ। आप हमारा मार्गदर्शन करें, हम ब्रजवासियों को धन्य करें प्रभु। कर्मयोगी जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी अभिव्यक्ति श्री यमुना जी के मध्य में रखी है। इनकी बातों से, इनके वाणी से जो वेदना परिलक्षित हो रही है, वास्तव में हम सभी जितने भी लोग हैं, चाहे वो भारत में रहने वाले लोग हों या भारत के बाहर, जितने भी सनातन धर्मावलंबी हों अथवा किसी भी धर्म के पालन करने वाले लोग, गंगा जमुना सरस्वती आदि जो नदियां हैं, ये केवल सनातन धर्मियों के लिए ही नहीं है, ये हमारे भारत का प्राण है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। यदि इसका जो स्वरूप आज दिखाई पड़ रहा है, यदि इसमें परिवर्तन ना आया, न लाया गया, तो निश्चित है कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी पहचान एक दिन गौड़ हो जाएगी और हम अपने देश में ही इतने गुप्त हो चुके होंगे कि हमें जानने और पहचानने वाला कोई न मिलेगा। वस्तुतः गंगा जमुना और सरस्वती आदि जितनी भी हमारे देश में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, ये मात्र जल नहीं है, ये केवल जल का स्वरूप हो ऐसा नहीं है, प्रवाहित होने वाला जल नहीं है। ये प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, ये साक्षात ब्रह्म का द्रवीभूत स्वरूप हैं। ब्रह्म जब द्रवित हो जाता है तो गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियों के रूप में वो प्रवाहित होने लगता है। यह गंगा, ये जमुना मैया के किनारे जब हम जाते हैं तो हमें यह मूक संदेश देती हैं, हे मानो मेरी तरफ एक बार देख ले, जिस प्रकार मैं निरंतर प्रवाहित हो रही हूँ, एक क्षण के लिए भी मेरे जीवन में विश्राम नहीं है और मैं तब तक आगे बढ़ती रहूँगी जब तक कि मैं अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त न कर सकूँगी। गंगा जमुना आदि नदियों का लक्ष्य क्या है? सागर में मिलना। सागर में मिलने के बाद गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा छिप्रा आदि जितनी भी नदियां हैं, ये अपने नाम रूप गुण महत्व को समाप्त करके ये भी सागर ही बन जाती हैं। गंगा जमुना आदि तब तक गंगा जमुना हैं जब तक सागर से नहीं मिलती। सागर में मिलने के बाद ये अपने रूप गुण महत्व को समाप्त कर सागर में मिल जाती और ये सागर ही बन जाती हैं। इसी प्रकार गंगा कहती है, मानो देख, जब तक तेरे जीवन के अंदर ये प्रवाह रहेगा, निरंतर चरैवेति निरंतर आगे बढ़ते रहो, जैसे मैं अपने प्रियतम समुद्र से मिलकर मैं भी सागर बन जाती हूँ,
ऐसे ही अनंत अनंत जीवात्माओं मेरी तरफ देख, निरंतर आगे बढ़ता चल, आगे बढ़ता चल, आगे बढ़ता चल। एक दिन तू भी जब ब्रह्म में मिल जाएगा तो तेरी जीव की सत्ता समाप्त होकर के तू भी ब्रह्म ही बन जाएगा। इसलिए ये नदियाँ हमको संदेश देती हैं। दूसरे अर्थों में अगर हम देखें तो गंगा जमुना आदि ये ब्रह्म का द्रवीभूत स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश का आदि कारण है। इसी प्रकार ये भी मुझे ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप प्रदान करती हैं। अगर कभी आप भाव पक्ष में विचार करें, गंगा या यमुना में कोई जाए स्नान करने के लिए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सर्वप्रथम श्री गंगा जी में हमारा पैर जाता है। और सर्वप्रथम हम जब पैर रखते हैं, गंगा के मध्य में पैर रखते हैं, यमुना जी में पैर हमारा जाता है, तो यमुना जी, गंगा जी हमारे पैरों को छू करके, स्पर्श करके आगे बहती हैं। गंगा जी किसके चरणों में से निकल करके बहती हैं? विष्णोर पादोद्भवा गंगा, गंगा भगवान नारायण के चरणों में से निकल कर वे बहती हैं। और जब मैंने गंगा में प्रवेश किया तो आज गंगा जी मेरे चरणों में से निकल करके बह रही हैं। ऐसे समय में हमको साक्षात विष्णु पद प्राप्त हो रहा है। इसके बाद मैंने डुबकी लगाया, डुबकी लगाने के बाद ये पवित्र जो नदियाँ हैं मेरे सिर के ऊपर से बह रही हैं। किसके सिर के ऊपर गंगा जी विराजमान हैं? हमारे भगवान महादेव के सिर के ऊपर गंगा जी विराजमान हैं। जब हम डुबकी लगाते हैं तो ये गंगा जी, यमुना जी हमें महादेव का पद प्रदान करती हैं। स्पष्ट है कि भारत में नदियों को माँ कहा गया है, लेकिन आज का मानव इस भौतिकता में इस कदर उलझ गया है कि उसे यमुना मैया की सफाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अगर बढ़ते प्रदूषण के कारण माँ यमुना की दशा और भी खराब हुई तो ब्रज संस्कृति पर इसका क्या असर होगा, कि हम सरस्वती, सिंधु और नील नदी के पास विकसित हुई सभ्यताओं के पतन से आसानी से समझ सकते हैं। हमारा प्रयास है कि भूमंडलीकरण के इस दौर में हम, आप और हमारा ब्रज क्षेत्र प्रगति के रास्ते पर अपना गौरव यूं ही बनाए रखें। इसी संकल्प के साथ हम अपने इस खास कार्यक्रम ब्रज दर्शन में आपसे विदा लेते हैं। अगली बार मिलेंगे ब्रज के किसी अन्य पावन भूमि पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। विरहा की जो आंच लगी तन में, तो जाय पड़ी यमुना जल में। विरहा नलते जल सूखी गयो, मछली बही छाड़ी गई तल में।